आइडेंटिफाई और KDM, KDM का मतलब क्या है, की डिसीजन मेकर। जिसको आप माल बेच रहे हैं उसके पास डिसीजन लेने की एबिलिटी है भी कि नहीं है। कई बार यू आर टॉकिंग टू अ रॉन्ग पर्सन, आप गलत आदमी के साथ दीवार पे धक्का लगा रहे। दीवार पे धक्का नहीं लगाते, दरवाजे पे लगाते। देखिए, पांच तरह के लोग होते हैं जो आपका माल खरीदते हैं। पहला होता है इनिशिएटर, दूसरा इन्फ्लुएंसर, तीसरा डिसाइडर, ये डिसीजन लेता है, और चौथा बायर, ये खरीद के आता है, पांचवा कंज्यूमर जो बाद में यूज करता है उस प्रोडक्ट को। अब पांच प्रकार के लोगों में आप टारगेट किसको कर रहे हैं और आपके बिजनेस में किसको टारगेट करना जरूरी है। मान लीजिए आपका कंज्यूमर बहुत ही छोटा बच्चा है, तो बच्चे को टारगेट मत करिए, डिसाइडर को, बायर को, इनको टारगेट करिए, क्योंकि ये लोग आपका माल खरीदेंगे। अब एक कॉर्पोरेट के अंदर B2B में परचेज मैनेजर आपका बायर है, लेकिन ना तो वो इन्फ्लुएंसर है ना वो डिसाइडर है। डिसाइडर उनका बॉस है जो ऊपर से उनको बताता है काम करने के लिए।